जोहार हजारी बाग, मैं फैज अनवर, आप देख रहे हैं जोहार हजारी बाग। बहुत दिनों के बाद आज जोहार हजारी बाग में मिले हैं जयराम महतो जी। अभी झारखंड सरकार ने नई नियोजन नीति कैबिनेट में पास करने के लिए पारित किया है। आइए जानते हैं जयराम जी से क्या जो नई नीति है उससे सहमत हैं आप? देखिए एक बात बताइए, अगर नई नियोजन नीति से हम लोग सहमत रहते हैं तो 2016 की नीति है, 2016 में किसकी सरकार थी? भारतीय जनता पार्टी की। इसी नीति के चलते ना रघुवर सरकार को उखाड़ के फेंका गया है और हेमंत की सरकार को लाया गया है। तो हेमंत सोरेन जो है उनका दिमाग उमाग शायद नहीं है, अपनी बुद्धि विवेक से काम नहीं कर रहे हैं। अगर अपनी बुद्धि विवेक से काम कर रहे होते तो ये सवाल ही नहीं करते कि इस नीति से आप खुश है कि नहीं। अरे भाई, इसी नीति के विरोध में जाकर हमने आप उस सरकार को उखाड़ के फेंका है, आपकी सरकार को राज्य की जनता ने लाया है। तो ये एक बात रुकूंगा यहाँ पे, जो लोग सर्वे जो किया था, जो सवाल किया था छात्रों से, तो छात्रों ने दिया है मत तभी तो 60-40 की लाइए। आपको नहीं लगता है कि ये सरकार बिल्कुल, हम झारखंडी लोग हम मानते थे कि हम लोग थोड़ा कम पढ़े लिखे हैं, लेकिन हम लोग धोखेबाज हैं ये आज सरकार बता रही है। हेमंत सोरेन बिल्कुल धोखेबाज है, इसलिए कि कोई जो भी सर्वे हुआ है, बिल्कुल जब हमको लगता है कि मेरे इर्द गिर्द सैकड़ों नौजवान से बात हुआ, सैकड़ों नौजवानों ने कहा कि हम लोग को जैसे ही फोन आया, पहले तो अपना रिकॉर्डिंग फोन है, वो तो कोई आपसे बात नहीं, टेलीफोनिंग नहीं है, वो एक रिकॉर्डिंग कॉल था। हाँ, उसके बाद जैसे उन्होंने कहा कि नहीं कि हम इस नीति से खुश नहीं है, फिर भी कहा आपका धन्यवाद। तो जब हमारे इर्द गिर्द, हम भी एक छात्र हैं, हमारे इर्द गिर्द सभी छात्रों ने कहा नहीं, तो हाँ किसने कहा? यानी या तो ये फेक कॉल्स थे, या फिर जो भी कह सकते हैं ये अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों ने समर्थन किया होगा। लेकिन जो झारखंडी हैं वो तो 2016 के विरोध में है, क्योंकि 2016 में ही टीचर की बहाली आई थी, जिस समय जो हमारी शिक्षा मंत्री थी मैडम नीरा यादव, वो कह रही थी कि बाहरियों को हम रोक नहीं पाएंगे, इसीलिए बाहरियों को उन्होंने शरण दिया, तो झारखंड उन्होंने बाहर कर दिया सत्ता से। तो इसी पॉलिसी के तहत गोड्डा और देव माने गिरिडीह में 48 बाहरी टीचर आए थे, केमिस्ट्री में 37, में 36 टीचर बाहरी आए थे, संस्कृत में 56, में 53 बाहरी टीचर आए थे। तो इसी पॉलिसी के तहत हम लोग सरकार को उखाड़ के फेंक कर नई सरकार बनाए थे, और सरकार अगर वही पॉलिसी लाना था तो वही सरकार रहती। आपकी सरकार को इसलिए लाया है कि 2016 की नीति से लोग खुश नहीं थे। तो ये इसमें एक चीज और है, जो तीन भाषा ऐड किया गया, हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत, क्या है इसमें, क्या फर्क पड़ेगा, क्या कोई फर्क पड़ने वाला? बिल्कुल बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। इससे फर्क क्या पड़ेगा कि जो लोग झारखंड को नहीं भी जानते हैं, उस समय हम लोग इंटरव्यू देख रहे थे चैनल के माध्यम से, हम लोग टीवी में देख रहे थे, जब 2016 में टीचर की बहाली हुई थी, गुलाबी पगड़ी बांधे थे टीचर लोग, वो लोग यूपी के थे, उनसे मीडिया वाले ने पूछा कि आप लोग झारखंड के बारे में क्या जानते हैं, तो खाली बोला कि नहीं, झारखंड आदिवासी राज्य है, इसमें आदिवासियों की संख्या ज्यादा है, उसके अलावा उनको झारखंड के बारे में कुछ नहीं मालूम है। तो ठीक उसी प्रकार जो झारखंड के बारे में कुछ नहीं जानता है, जो झारखंड को समझता नहीं है, लेकिन इन भाषाओं से एंट्री कर जाएगा, हिंदी यानी लगभग उत्तर भारत के लिए, इंग्लिश यानी बाकी ऑल ओवर इंडिया के लिए, और संस्कृत यानी मैक्सिमम यूपी बिहार, संस्कृत झारखंड में उतनी प्रचलित नहीं है। तो उसके बाद उर्दू की बात करें, इसमें क्या करती है कि धर्म माने धर्म के नाम पे लोगों को उलझाने का प्रयास करती है। देखिए जो झारखंडी घाटी मुसलमान है वो नागपुरी, आपके नागपुरी कुरमाली खोटा उसके साथ है, इसलिए साथ है। आप चाहे मधु मंसूर जी की बात करें, यही हमारे बहुत फेमस लोक गायक है नागपुरी में, मजबूलदा नागपुरी में गाए हैं, मंसूरी साहब ने नागपुरी में गाया है, उन्हें विजय राष्ट्रपति पदक मिला है। तो जो झारखंडी हैं, चाहे वो किसी धर्म के हैं, वो झारखंडी भाषाओं को जानते हैं, लेकिन यहाँ क्या कर रहे हैं आप, संस्कृत के नाम पे यूपी बिहार को न्योता दे रहे हैं, उर्दू के नाम में आप यूपी बिहार को न्योता दे रहे हैं, हिंदी के नाम में पूरा उत्तर भारत को, और इंग्लिश के नाम में ऑल ओवर इंडिया को आप न्योता दे रहे हैं। जो कि क्या होगा, जो झारखंड का जानता भी नहीं है, झारखंड के बारे में समझता भी नहीं है, उन लोगों को सीधा नौकरियों में आने का अवसर दिया जाएगा। अब क्या करेंगे आप, नई पार्टी बनाने का प्लान है कि इसी तरह सभा करते रहेंगे? अभी तक कितनी सभा किया आप? देखिए हमको तो लगता है कि अगर अनुमति लेके बात किया जाए तो 450 सभाएं हो गए, अगर ऐसे अगर बात किया जाए तो लगभग 1200-1300 सभाएं हो गई। हाँ, आराम से एक साल के अंदर। ये तो थोड़ा सा मैंने बीच में थोड़ा सा मेरे साथ कुछ दुखद घटना घटी, हम थोड़ा सा पीछे है, नहीं तो अब मुझे लगता है इन सभाओं को थोड़ा सा मत में बदलना होगा। जो सभाओं में जितनी संख्या में लोग आज उठते हैं उन्हें वोट के प्रति जागरूक करना होगा, और अगर ये गूंगी बहरी सरकारें नहीं मानती है, नहीं सुनती हैं, तो 2024 में जनता से अपील करना होगा कि ऐसे लोगों को वहां चुनकर भेजा जाए जो झारखंड का हित होते हुए ना देखे। 60-40 की नीति में पार्टी बनेगा, देखिए हम लोग हो सके कोई माने जो पार्टियां रूल कर रही हैं उनके अलावा कोई अगर बेहतर विकल्प दिखे, जो अब तक रूल नहीं किए, उनकी विचारधारा झारखंड की जनमानस से फिट बैठती है तो हम देखा जाएगा, नहीं तो नए चेहरे आएंगे सामने, जो भी होगा झारखंड के हित को देखकर ही रखा जाएगा। एक चीज और, 1300 सभा आप बोल रहे हैं, 450 एकदम लिखित सभा है, और इसके दौरान देखा कि आप पीएचडी अपना थीसिस जमा कर रहे थे, कैसे हुआ ये? देखिए मैंने कह सकते हैं परिस्थितियों ने मशीन बना दिया है, सही बात है,
और कभी कभी मुझे लगता है भले हम लोग का शायद मुझे लगता है कि हमारी जो फिजिकली और मेंटली है ये कहीं ना कहीं नेचुरल है, प्रकृति ने उपहार में दिया है, नहीं तो इस शरीर में बहुत सारी बीमारियां जो एक साल पहले नहीं थी अभी है, 7-8 बीमारी हम एक्स्ट्रा लेके चल रहे हैं, माथा दर्द, पेट दर्द, सीना दर्द, कमर दर्द, इस दर्द, बहुत सारा बीमारी आया है, मेडिकल रिपोर्ट भी हमारे सामने 30 बनना मेडिकल रिपोर्ट है, लेकिन दवाई खाने तक का फुर्सत नहीं है। तो संभव है, अपने जिद के कारण ये संभव बनाए कि इधर PhD भी हैंडल कर रहे हैं और इधर कम से कम एवरेज प्रत्येक दिन कहा जाए तो 2-3-4 सभाएं, हाईएस्ट एक दिन में 14 सभा की है मुझे लग, हाँ 14 सभा, अगर औसत मान ले आधा घंटा तो 7 घंटा स्पीच एक दिन में दिए हैं लगातार खड़े। हाँ वही खड़े खड़े। एक चीज और जानना चाह रहे हैं, बहुत वायरल चल रहा था फेसबुक में कि जयराम जी शादी करने वाले हैं, क्या लड़की मिल गई है? नहीं देखिए भेजदा अभी तो संभव नहीं, अभी झारखंड के लिए हम लोग निकले हैं और इस दरमियान हमने बहुत कुछ खोया, बहुत कुछ पाया, कुछ चीजें तो ऐसा खोए जिसकी अभी भरपाई नहीं कर पा रहे हैं, मेरे दो साथी इस तरह दुखद घटना में हमारे बीच से चले गए उसकी भरपाई हम अभी तक नहीं कर पाए, लेकिन थोड़ा सा हिम्मत करके आज यहाँ तक आए हैं। तो अभी हम लोग शादी विवाह तो हर कोई करता है, हर किसी की ख्वाहिश रहती है, राजीव मुंशी प्रेमचंद के बारे में कोटेशन पढ़ रहे थे, उन्होंने कहा कि जब तक कोई अपने जिंदगी के उलझे हुए पहलुओं को सुलझा ना ले तब तक शादी नहीं करना चाहिए। तो हम लोग की जिंदगी में तो बहुत सारा जो पहलू है उलझा उलझा है, बिखरा बिखरा है, उन्हें निखार ले, उन्हें सुलझा ले, तब सोचा जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।